नमस्कार विद्यार्थियों मैं सुखराम काली आप के लिए नर्सिंग के लिए जो हिंदी है उससे संबंधित हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं प्रश्नों पर बने रहेगा संभावित 40 से 50 प्रश्न हम करने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं परीक्षा में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न है जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं देखिए आज जो हमारा विषय है वो विषय विशे है विशेष्य और विशेषण आपके सामने वही प्रश्न आएंगे थोड़ी बात कर लेते हैं आपके सामने वही प्रश्न आएंगे जो आपके पाठ्यक्रम दे रखे हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे और उस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है ये भी आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो दे रखा है उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए और उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ना नहीं होगा यही होता है पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है तो आपका पहला टॉपिक है विशेष्य और विशेषण तो इसके बारे में एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है देखिए विशेष्य सामान्यतम संज्ञा को कहते हैं मैं सीधा विषय नहीं उठा सकता यदि सीधा विषय उठाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए दो मिनट विशेष्य संज्ञा सर्वनाम को कहते हैं और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं अब आपको यह बात ध्यान रखनी होगी उसने आपके पाठ्यक्रम देखिए आपके पाठ्यक्रम में विशेष्य है संज्ञा सर्वनाम नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ प्रश्नकर्ता संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न नहीं बनाएगा संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न नहीं बनेगा वो प्रश्न बनाएगा विशेष्य से तो सारी संज्ञा और सारे सर्वनाम विशेष्य नहीं होते हैं विशेष्य केवल वे ही होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है जिनकी विशेषता बताई जाती है जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं इसको समझ लीजिएगा आप एक उदाहरण है मोहन का पुत्र <laughs> मोहन का पुत्र दिनेश देखिए मोहन का पुत्र दिनेश या मोहन का पुत्र समझदार है एक सरल लेते हैं मोहन का पुत्र समझदार है इसमें देखिए मोहन संज्ञा है पुत्र संज्ञा है और समझदार विशेषण है तो इस विशेषण इसमें एक है समझदार पर इसमें विशेष्य कितने हैं विशेष्य भी एक है सारी संज्ञाएं विशेष्य नहीं होती है हमने कहा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेष्य होता होते हैं पर सारे नहीं होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है विशेष्य होता है और यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है विशेषता देखिए पुत्र की है मोहन की यह भी आपको समझना होगा देखिए मोहन कैसा है इसके बारे में विशेषता नहीं बता रहा है पुत्र कैसा है समझदार है तो पुत्र की विशेषता बताई जा रही है या विशेष है वो पुत्र है और मोहन यहां पर विशेष नहीं है केवल संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है तो यह जानकारी आपको हो गई तो विशेष और विशेषण में आप नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे ठीक है तो हम चलते हैं हमारा पहला प्रश्न है जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मरित होती है उसे कहते हैं देखिए व्याप्ति का अर्थ होता है फैलाव और मर्यादित का अर्थ होता है सीमित तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के अर्थ के फैलाव को सीमित करते हैं या अर्थ को सीमित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं यह विशेषण की परिभाषा है यह विशेषण की परिभाषा है परीक्षा में पूछी जा सकती है आप लोग जो परिभाषा जानते हैं सामान्य विद्यार्थी जो परिभाषा जानता है कि संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विश्व कहलाता है यह सामान्य परिभाषा है यह विशिष्ट परिभाषा में आती है परिभाषा भी सामान्य होती है वैसे परीक्षा में पूछ जाने की योग्य परिभाषा यह है इस परिभाषा को ध्यान रखिएगा व्याप्ति मर्यादित का मतलब हुआ को सीमित करना <coughs> यह काम होगा विशेषण का दूसरा प्रश्न है देखिए पहला प्रश्न मैं परिभाषा से लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले कि विष्णु की परिभाषा कैसे होती है दूसरा प्रश्न है कि विष्णु के प्रकार कितने होते हैं देखिए विश्रण के प्रकार हैं कितने होते हैं चार प्रकार हैं कौन कौन से हैं इनकी जानकारी देख लीजिए आप पहला प्रकार गुण है गुणवाचक विशेषण पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण इनके बारे में एक बार देख लेते हैं ये दो प्रश्न है जिनके बारे में ठीक से व्याख्या कर लेंगे तो फिर आगे किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी आपको गुणवाचक विशेषण का पता करना हो तो ध्यान रखिएगा गुणवाचक विशेषण का पता करना हो तो संज्ञा के साथ में अब कैसा कैसे कैसी प्रश्न कर लीजिए यदि उत्तर मिल जाता है तो वह गुणवाचक होता है अन्यथा वह गुणवाचक नहीं होगा जैसे हमने पीछे लिखा था यह देखिए आप पुत्र कैसा है पुत्र कैसा है समझदार है तो कैसा कैसी कैसे के साथ संज्ञा के साथ में सर्वनाम के साथ में अब कैसा कैसे कैसी प्रश्न करोगे उत्तर मिल जाता है तो उस वाक्य में गुणवाचक होता है अन्यथा नहीं होता है गुणवाचक <coughs> संज्ञावाचक जो अब संख्या होती है यदि उस संख्या के साथ आ जाती है ठीक है तो विषण कार्य करती है और यही दोनों दोनों समान है दोनों के विषण लगभग समान है को दो चार को छोड़कर संख्यावाची विष्रण वे होते हैं ठीक है थेके? जब वो संज्ञा के साथ मतलब गिनी जा सकने वाले संज्ञा के साथ लगते हैं और परिमाणवाची विष्ण वे होते हैं जो ऐसी संज्ञा के साथ आए जिन संज्ञाओं को नापा मापा या तोला जा सकता हो विशेषण संज्ञा के साथ आता हमेशा यदि ऐसी संज्ञा के साथ आए जिस संज्ञा को गिन सकते हो तो संज्ञा वाची और ऐसी नापा तोला या ठीक है मापा जाता हो तो हो जाएगा परिमाणवाचक दोनों समान ही होते हैं लगभग दोनों मिश्रण शब्द लगभग समान होते हैं दो चार को छोड़कर सार्वनामिक देखिए सर्वनाम सर्वनाम ही सर्वण विशेषण कार्य करता है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए तो वो क्या होता है सर्वनाम होता है और सर्वनाम यदि संज्ञा के साथ में आ जाए संज्ञा के ठीक पहले संज्ञा की विशेषता बताने के लिए तो वो क्या होता है सर्वनामिक वेण होता है ये चार प्रकार है कुछ पुस्तकों तो में पांच प्रकार दे रखे हैं जो कि पूर्णतः गलत है पांच नहीं है कितने प्रकार है चार प्रकार ही है पांच की बात आती है सुनेगा ये एनसीईआरटी का वर्ग है ठीक है जिसमें चार ये कुछ पुस्तकों ने पांच दे रखा है जो कि पूर्णतः गलत है ध्यान रखिएगा परीक्षा प्रश्न आए तो चार करके आइएगा <coughs> इनमें से विशेषण उपवाक्य है अब ये कह रहे कि विशेषण उपवाक्य कौन सा है ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसने पार्टी लिखा देखिए उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं उपवाक्य तीन प्रकार होते हैं आपके पाठ्यक्रम में उपवाक्य नहीं है ध्यान रखिएगा आपके पाठ्यक्रम में उपवाक्य नहीं है पर आपके पाठ्यक्रम में विशेषण है और एक उपवाक्य देखिए उपवाक्य का एक प्रकार है कौन सा विश्व उपाक्य पहला प्रकार होता है उसे हम कहते हैं संज्ञा उपवा है। देखिए पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं संज्ञा उपाक्य है। दूसरा प्रकार उपवाक्य का वह है विशेषण है और तीसरा प्रकार सम्ति लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य सामान्य उपवाक्य के तीन प्रकार ले रहे हैं संज्ञा उपवाक्य है वह होता है जिसमें कोई कथन हो या वो तो की से जुड़ा हो देखिए उपवाक्य में दो वाक्य होता है एक तो होता है प्रधान उपवाक्य ठीक है एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य और ये जो आश्रित उपाक्य है यही आपके तीन प्रकार होते हैं तो ऐसा देखिए ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक के साथ में ठीक है की से जुड़ा हो या कोई कथन हो तो हम कहते हैं वो होता है विशेषण कौन सा होता है जो 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 से जुड़ा हो जो के विकारी भी हो सकते हैं देखिए जिस हो सकता है जिन हो सकता है जितना हो सकता है जैसा हो सकता है जितना देखिए जितना उतना और जैसा वैसा ये सब किस में आते हैं विष्ण उपा के माते हैं माते है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिसमें जो हो या जो के विकारी देखिए जिस जिसने जिसको जिससे ये हो या एक उच्चन विकारी बहुचन विकारी जिन जिन्हें जिनको ये वाले हो या पे जितना उतना या जैसा वैसा ये होते हैं विष्ण उपाक्य क्रिया विष्णु उपाक्य में कौन सा होगा देखिए क्रिया विष्णु उपाक्य होता है यदि तो अगर तो <coughs> यहां वहां ठीक है ज्यो त्यों यद्यपि तथापि क्योंकि ये सारे किस्म आते हैं क्रिया आते हैं तो ये तीन प्रकार हो गए अब ये पूछ रहे कि विष्णु उपाय कौन सा है देखिए गुरुजी ने कहा गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे यहाँ पर देखिए की आर की है और ये कथन है किन का का तो देखिए कथन हो जो किस जुड़ा हो कौन सा होता है संज्ञा देखिए संज्ञा उपवाक्य है विष्णु उपाक्य नहीं है जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए देखिए यहां पर क्या लिखा है जो लिखा है और जो आते ही कौन सा होता है विशेषण उपवाक्य होता है तो सही उत्तर कौन सा है बी यहां पर सही उत्तर है <coughs> <coughs> देखिए हिंदी बाउंस नहीं होगी अब थोड़ा सा तीसरा प्रश्न आया है थोड़ा सा पढ़ लीजिए जब यह प्रश्न एमसीयू खत्म होगा तो आप खुद ही हल कर लोगे इनको किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो दिक्कत होती आप एमसीयू को पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी आपको लेकिन दो चार प्रश्न होगी फिर नहीं होगी इसलिए कहा मैं ज्यो ही वहां पहुंचा वह चला गया देखिए मैं ज्यो ही वहां पहुंचा यहां पर एक लोप हो रखा है जिसको अध्ययन बोलते हैं उस वह सुबह ही वह चला गया ठीक है त्यों वह चला गया तो ज्यो त्यों आता है तो क्रिया विष्णु उपवाग होता है ये नहीं है यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा यदि तो अगर तो आए तो क्रिया विष्णु होता है तो यह भी नहीं है क्रिया विष्णु उपवाक्य है क्रिया विष्णु उपाक्य है विष्णु उपवाक्य है और संज्ञा उपाक्य है सही उत्तर है हमारा बी ये प्रश्न है जो आपको पढ़ने होंगे और आपके परीक्षा में पूछने की संभावना इन्हीं में से है प्रश्न सामान्य से दिखते हैं जटिल भी हो सकते हैं उत्तर बताइए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है प्रत्येक विकल्प में दो शब्द दिए गए हैं और पूछ रहा है सभी शब्द जो दोनों आए हैं संज्ञा से बने हुए होने चाहिए उत्तर क्या होगा इसका चौथा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ये पीछे भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न भी आपके सामने आएंगे कुछ विशेष प्रश्न थे जटिल थे तो जरूर आएंगे इसमें देखिए नपत वाला तुला उतर आ रहा है किसी का ए आ रहा है किसी का बी आ रहा है किसी का सी आ रहा है किसी का डी किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है इसका मतलब है यह विषय आपका कमजोर है कौन सा बनने वाला ऐसे शब्दों का ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करना हो तो तरीका अपनाइए सबसे पहले काम करिए इसे मूल निकालिए आप यहां पर क्या है दयनीय मूल क्या है दया धन अन्य <coughs> और अगला मूल क्या है देखिए अगला में मूल है आगादन ला आगादन ला अब देने के मूल क्या है देने के मूल या देखिए दिन के साथ में एक प्रत्यय और अड़ियल में क्या है अड़ के साथ में इल प्रत्यय लिखा हुआ है, है. कथ्य में क्या है देखिए कथ के साथ में यह प्रत्यय है और देहिक में देह के साथ में एक प्रत्यय है मानवीय में नहीं माफ करिए हाँ मानवीय में देखिए मानवीय में मानव शब्द के साथ में ये प्रत्यय लिखा हुआ है और बाहरी में बाहर के साथ में ई प्रत्यय हुआ है इसने लिखा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी सब संज्ञा से बने हुए विशेषण है ये सारे के सारे विशेषण है कभी कभी क्या था वो देता भी नहीं विशेषण पर यहां पर सारे के सारे क्या है विशेषण है अब ये बताना है कि कौन सा संज्ञा से बना हुआ है ठीक है और दूसरा किससे बना हुआ है क्योंकि इस बार तो इसने प्रश्न किया संज्ञा से बना अगली बार वो क्या सकता है बनाओ कौन सा है धातु से बनाओ कौन सा है अव्य से बनाओ कौन सा है यह प्रश्न आपके सामने कर सकता है जिसके स्वतंत्र है और पहला प्रश्न आया हुआ इसका संज्ञा से बनाओ कौन सा है तो इसमें संज्ञा कौन सी है बनाओ इसका मतलब प्रत्यय को हटा दीजिए आप जो प्रत्यय है उसको हटा दीजिए आप और जो मूल मिले हैं उनका पता कर दीजिए आप जो मूल है यदि दोनों पद मूल संज्ञा है तो संज्ञा से बने हो जाएंगे सारे के सारे देखिए दया शब्द संज्ञा है तो इसका मतलब है दयनीय संज्ञा से बना विशेषण है और आगा देखिए आगा शब्द भी संज्ञा है आगा शब्द भी संज्ञा है अब देखिए आगा के साथ में हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है आगा के साथ में ए आता है तो बनता है आगे ठीक है और आगा के साथ में ला आता है तो बनता है अगला <coughs> देखिए आगे है वो अव्यय है और अगला है वो विशेषण है अगला है वो विष्ण है इसका मतलब विष्ण बना किससे बना ये संज्ञा से बना हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों किससे बने हुए संज्ञा से बना हुआ है बहुत कम विद्यार्थियों के ठीक है ये उत्तर क्या हो रहा है इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है तुक्के मत मारिए तुक्के को छोड़ दीजिए आप किसी प्रश्न को नहीं देखिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उस प्रश्न को छोड़ना भी सीखिए आप तुक्के मारने का मतलब है है ठीक इसका प्रयोग नहीं कर रहे आप किसका बुद्धि बुद्धि का का प्रयोग भी करिए तुक्का कब मारा जाएगा जब ये पढ़ेंगे तो अंत में बताऊंगा तुक्का कब मारना आपको इसमें तुक्का मारने आ स नहीं है आए तो अच्छा नहीं है तो छोड़िए देखिए दिन संज्ञा है तो दैनिक संज्ञा से बना हुआ है अड धातु है धातु का मतलब ना लगते क्रिया बन जाती है अडना अड के लगाओ अड़ना अड़ना क्रिया है ठीक है तो अड़ ये धातु है तो ये तो धातु से बना हुआ है जिसको पुस्तक में ये कहा गया है कि क्रिया से बना हुआ भी भी है, है। देखिए यहां पर संस्कृत धातु है ठीक है भी यहां पर क्या है है धातु तो कथ्य धातु से बना है कहीं कहीं जगह पर आपको यह लिखा मिलेगा सुन लीजिए यहां पर यह लिखा मिलेगा कि कथ्य है वो बना कथा के साथ में यह प्रत्यय लगने से बना है यह गलत है यदि कथा के साथ में यह प्रत्यय लगा रहे हो तो इसका मतलब इसको आपने क्या बना दिया संज्ञा बना दिया किसको इसको भी आपने क्या बना दिया संज्ञा बना दिया और दे किससे बना है देह से बना है देह यानी शरीर ठीक है ये भी संज्ञा है तो इसका मतलब आपने देह को भी क्या बनाया संज्ञा और कुछ ने यदि इसका इसका विच्छेद कथा के साथ में यदि आपने कर दिया तो भैया ये विकल्प क्या कर देंगे आप सही कर देंगे जबकि आपको ये नहीं करना कथ यहां पर धातु है ये रूप नहीं है ये खुद किससे बना हुआ है कथ के साथ में आप्रत्याय तो कथा बनता है कौन सा यहां पर मानवीय ये भी किससे है संज्ञा से बनाए मानव संज्ञा होती है और बाहर ये अव्यय है बाहर का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएगा देखिए बाहर गया बाहर आया ठीक है कहां गया बाहर गया कहां आया ठीक है बाहर आया तो ये स्थानवाचक क्रिया विषय है कौन सा ये वाला तो ये वाले नहीं है ये है तो दोनों कौन से ये है देखना संज्ञा से बना संज्ञा से, 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 से बना संज्ञा से बना धातु से बना धातु से बना संज्ञा से बना संज्ञा से बना अव्यय से है। तो यह जानकारी होनी चाहिए कौन सा सद विशेषण नहीं है कौन सा सद विशेषण नहीं है ऐसे प्रश्नों का आसन हल कर सकते हो किसी शब्द का पता करना वो शब्द संज्ञा है या विशेषण है देखिए किस शब्द के बारे में पता करना हो कोई शब्द संज्ञा है या विशेषण है इसके लिए सामान्य तरीका अपने उस शब्द को यहां लाकर रखिएगा ये यह तरीका बहुत काम का, अपने लिए काम आएगा संज्ञा और विशेषण में खूब काम आने वाला है आपको कुछ नहीं करना है इसकी दो तीन शर्त है एक बार समझ लीजिए शर्त क्या है पहली शर्त यह पहली शर्त है वाक्य ना बनाए और कोई नया शब्द लाइए वाक्य नया बनाएं और कोई नया शब्द लाएं। दूसरी शब्द शर्त इसकी यह है इसकी समय सीमा नया शब्द लाने की समय सीमा दो से तीन सेकंड होगी ध्यान रखिएगा यह आपके लिए थोड़ा जटिल हो सकता है पर ज्यादा जटिल नहीं है यदि शब्द आ जाता है देखिए यदि कोई नया शब्द आ जाता है इसलिए कहा कि वाक्य ना बनाइए देखिए वाक्य ना बनाए कोई नया शब्द लाइए समय सीमा तीन सेकेंड है यदि नया शब्द आ जाता है तो वह शब्द होगा विशेषण और मान लीजिए नया शब्द नहीं आता है देखिए नहीं आता है तो यह शब्द हो जाएगा संज्ञा यह सामान्य तरीका है केवल ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं संज्ञा का पता कैसे करें विष्णु का पता कैसे करें और या फिर कहते हैं कि पहले आ जाए शब्द तो कौन सा होगा संज्ञा होगा अब इसको देखिए आप इसलिए बेचारा बेचारा शब्द को आप यहां लाकर रखिए इन दोनों में से यहां लाकर रख दीजिए बेचारा शब्द आता है या नहीं आता है वाक्य नहीं बनाना है कोई शब्द लाना है समय सीमा दो से तीन सेकेंड देखिए बेचारा व्यक्ति बेचारा बालक तो बोलते बेचारा पुरुष शब्द आ रहे हैं आ रहे इसका मतलब बेचारा क्या हो गया विष्ण हो गया ये विशेषण है ये संज्ञा विष्ण नहीं है ये विशेषण है बेसारा तो देखिए यहां लिखिए बेसारा को बेसहारा देखिए बेसारा व्यक्ति बेसारा बालक बेसारा अब आप बोलते रहिए बेसारा परिवार इसका मतलब शब्द आ नहीं आ रहा है आ रहा है तो बेसारा क्या है विशेषण है ये तो भाईचारा भाईचारा के बाद कोई शब्द लाइए आप नहीं ले पाए देखिए दो से तीन सेकंड कितना होता है कुछ भी नहीं होता नहीं आ रहा है कोई चिंता की बात नहीं है ये शब्द क्या है संज्ञा है ये ठीक है ये शब्द क्या है संज्ञा अब लिखा थक्का हारा इस थ लाइए आप देखिए थक्का मजदूर थकारा मजदूर थकारा व्यक्ति शब्द आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो थकारा क्या है विष्रण है आपको यह पता करना है कौन सा विष्रण है कौन सा नहीं है इसलिए आप यह तरीका अपना सकते हो यह आपके लिए रामबाण साबित तो होगा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको सामान्य परीक्षा में दिक्कत नहीं आती है आपके तो यहां परीक्षा में बीस प्रश्न है कितने हैं बीस प्रश्न है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सही उत्तर है सी भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में कितने विशेष्य हैं, कितने विशेष्य हैं? देखिए भैया विशेष्य का मतलब है कि वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई गई हो वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाती है या बताई जाएगी? वो होता है विशेष्य मतलब विशेष्य के लिए विशेषण का होना अनिवार्य है विशेष्य के लिए विशेषण का होना अनिवार्य है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष्य है तो ध्यान रखिएगा सामान्यतः ऐसा ऐसा आपको प्रश्न आ जाए तो कुछ मत करिए किसी शब्द के साथ में कैसा कैसी कैसे प्रश्न कर लीजिए यदि उत्तर मिल जाता है तो वहां विश्रुण होगा विश्रण आ जाएगा और जिसका हम प्रश्न करते हो वह आपका विशेष्य हो जाएगा यह तो गुणवाचक विष्णु की बात हो गई अब सार्वनामिक और संख्यावाचक में आपको चीजें ध्यान रखनी होती है पट आपने देखिए बालक कैसा बोला तो भोला विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है यह बालक की बता रहा है तो बालक देखिए यहां लिख देता हूं विशेषण और नीचे लिखता हूं विशेष पता करते हैं कौन से है विशेषण जो विशेषता बताता है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषता कौन बता रहा है यहां पर भोले विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है बालक की बता रहा है तो बालक यहां पर क्या हो गया विशेष्य हो गया क्रूर डाकू डाकू कैसा है क्रूर है और कैसा कैसी कैसे उत्तर में क्या मिलता है विष्ण मिलेगा देखिए डाकू कैसा क्रूर तो क्रूर यहां पर विशेषण है अब किसकी विशेषता बता रहा है क्रूर डाकू की बता रहा है तो डाकू यहां पर विशेष हो गया कि कठोर हृदय देखिए हृदय कैसा कठोर है तो हृदय कैसा है कठोर है तो कठोर यहां पर क्या है विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है हृदय की बता रहा है हृदय यहां पर क्या है हृदय यहां पर विशेष्य है मैं कोमल भावना जगा दी देखिए कैसी भावना कोमल भावना तो कोमल यहां पर क्या है विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है कोमल भावना की बता रहा है तो भावना यहां पर क्या है विशेष्य वाक्य में कितने विशेष्य हैं तो देखिए भैया एक दो तीन चार चार है यहां पर विशेष्य यदि पूछता वाक्य विशेषण कितने हैं तो भी उत्तर कितना आता चार ही आता यदि यह पूछ देता है कि वाक्य में कितने विशेष और कितने तो उत्तर आता है तो चार चार आता चार चार आता है देखिए शुरू शुरू हुआ हुआ है अभी हुआ है विषय अभी तो धैर्य बने रखिए और कक्षा बने रहिएगा सबसे महत्वपूर्ण तो है मैदान छोड़कर भागना नहीं है भागने वालों को कायर बोला जाता है उनकी कभी जीत नहीं होती है जीत उन्हीं की होती है जो मैदान में डटे रहते हैं नहीं खेलना आ रहा है तो अभी खड़े रहिए आप ठीक है समझिए उसको आप आ जाएगा बिल्कुल आएगा सातवा प्रश्न क्या रहा? दोनों शब्द है यूपी में पूछा गया प्रश्न है ये यूपी की किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है मुझे एग्जेक्ट तो याद नहीं है पर मैं कुछ प्रश्न ऐसे लेकर आया हूं जो कि किसी परीक्षा में पूछे गए हैं लाने भी पड़ते हैं यह वास्तव तो में क्या है यह संख्यावाचक विशेषण के ऊपर उपभेद है यह भाई संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हो ठीक है उसके उपभेद है संख्या पांच उपभेद होते हैं एक और है यदि आप ई के रूप लिखना चाहो तो वो है प्रत्येक वाचक कौन सा है प्रत्येक वाचक में पढ़ाई देता हूं आपको ठीक है इसमें क्या कि आपको उपभेद भी आ जाएंगे समुदाय वाचक कौन सा होता है देखिए समुदाय वाचक में लेते हैं सबसे पहले लेते हैं गणना वाचक में लेते हैं गणना वाचक में देखिए आते हैं एक दो तीन ये जो गणना चल रही है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ये होते हैं गणनावाचक दो होते हैं यहां पर इसको लीजिए गणनावाचक दो होते हैं एक होता है पूर्ण गणनावाचक और एक होता है अपूर्ण गणनावाचक पूर्ण गणनावाचक में ये आते हैं एक दो तीन चार ये आते हैं और अपूर्ण में अपूर्ण में देखिए आता है पाव आधा पौन कहीं पर पौने भी लिखा मिलता पौन के स्थान में कहीं पौने भी लिखा मिलेगा सवा डेढ़ ढाई साढ़े अब साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े पांच साढ़े छह साढ़े दस ठीक है ये आगे चलते रहेंगे ये है अपूर्ण पर ये सारे कौन से हैं गणना वाचक होते हैं जो गणना करने में काम आते हैं और इसके बाद में लिखा क्रमवाचक देखिए क्रमवाचक में आएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा सोवा ठीक है यह गणनावाचक में आते हैं क्रमवाचक में आते हैं कभी कभी संस्कृत वाले शब्द आ जाते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये दोनों किस में आते हैं दोनों प्रकार ये संस्कृत वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं तो ये क्रमवाचक में आते हैं फिर आते हैं आवृत्ति में लिखा है देखिए आवृत्ति में आता है दुगुना या अकेला भी आ सकता है अकेला दुगुना तिगुना चौगुना ठीक है पचगुना छगुना ये ऐसे चलते रहेंगे समुदाय वाचक आते हैं दोनों तीनों चारों पांचों छो सातों आठों नौ दसों ही आते हैं समुदाय वाचक में आते हैं तो अब ये प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों शब्द है ये समुदाय वाचक विस्तृण है और संख्या विषण के उपभेद प्रत्येक वाचक बहुत आते हैं देखिए प्रत्येक वाचक में आता देखिए एक तो पहला प्रत्येक फिर हर एक एक आधा आधा पाव-पाव, ये किस में आते हैं प्रत्येक वाचक में आते हैं तो आपको नई जानकारी हो तो इस जानकारी को लिख लीजिएगा ये बहुत काम की जानकारी है प्रश्न करता प्रश्न कर सकता है मतलब विष्णु के चार चार उपेद संख्या आ, आ, मतलब गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक और सार्वनामिक चार में जो गुणवाचक है उसके तो कोई उपभेद नहीं है पर संख्यावाचक के ये पांच उपभेद आते हैं समुदायवाचक आवर्तीवाचक गणनावाचक क्रमवाचक और प्रत्येक वाचक फिर सार्वनामिक आके चार आते हैं तो कहने है का विश्रष भी आपके कोई छोटा मोटा विषय नहीं है बहुत विस्तृत विषय है मिश्रण भी पर ये लिख लेना क्योंकि पीछे प्रश्न पूछा गया प्रश्न तो एक आदि आता है जो मेड बनाता है कौन सा सद विशेषण नहीं है देखिए कौन सा सब विशेषण नहीं है इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या उस वाक्य का प्रयोग कर लीजिए आप नहीं उस तरीके का प्रयोग करिए कौन सा तरीका यह वाला तरीका आप, आप। यह वाला वाक्य नया बनाए कोई नया शब्द लाए समय सीमा दोस्त तीन सेकेंड नया शब्द आ जाता है तो सब विश्रष्ट होता है नहीं आता शब्द संज्ञा होती है इसका प्रयोग कर सकते हो किसमें इसमें देखिए दस दस लोग दस रुपए, ठीक है दस दिन ठीक है दस वर्ष सब आ रहा नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है ये विष्ण है आपको सोचना ही नहीं है सारी संख्या विष्ण होती है ये सारे विष्ण है ये सारे क्या है विष्ण है तो आपको चिंता की बात नहीं है देखिए अच्छा अच्छा व्यक्ति अच्छा पुरुष अच्छा बालक अच्छा घर ठीक है यह विस्तृण है शब्द तो है इच्छा क्रिया नहीं लानी है वाक्य नहीं बनाना है इच्छा कोई शब्द लाइए अब यह मतलब मेरी इच्छा तेरी इच्छा उसकी इच्छा इसकी इच्छा यह मत लाइए पहले मत लाइए बाद में लाइए अरे नहीं आ रहा है कोई चिंता की बात नहीं है आप वो ऐसे कोई जबरदस्ती शब्द लाकर बनाओगे तो दिक्कत होगी यदि कोई शब्द हिंदी का कोई प्रखंड विद्वान है तो वह तो मेरे सारे तरीके गलत साबित कर देगा पर जो सामान्य व्यक्ति हैं सामान्य विद्यार्थी जो इस प्रश्न को हल करना चाहता है उसके लिए रामबाण है और कोई डेड होशियार है जो हिंदी की जानकर रखता है उसके लिए सारे तरीके क्या है गलत है ये बात मैं भी जानता हूं तो ध्यान रखिएगा अपना दिमाग का प्रयोग मत करिएगा केवल तरीके को तरीके की जगह पर लागू कीजिएगा आप समा मेरी बात आपको प्रश्न हल करना है विद्वान नहीं बनना है तो विद्वानों के लिए तो क्या है खूब इच्छार्थ बोल देंगे वो खूब पता नहीं कह बोल सकते हैं तो ऐसा नहीं भला आदमी भला पुरुष ठीक है भला व्यक्ति आ रहा है तो विष्णु है सी विकल्प संज्ञा है और कौन सी है भाववाचक संज्ञा है किसी ने उत्तर अच्छा दिया अरे अच्छा तो विश्व प्रयोग के आधार पर गुरु शब्द होगा कि गुरु शब्द है प्रयोग के आधार पर क्या है ये केवल विशेषण है या केवल है विशेष्य का मतलब ये संज्ञा है क्या या विशेषण और विशेष्य दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं यह नहीं आएगा यह मैं आपको पहले बताता हूं नहीं होगा अब यह तीन बचे हुए तो गुरु शब्द क्या है तुक्का मत मारिएगा कुछ तो क्या है तुक्का मारने बैठे हुए है हैं देखिए अब कैसे इसको समझ लीजिए एक बार आप गुरु शब्द विशेषण है कैसे गुरु का अर्थ होता बड़ा जैसे देखिए हम बोलते हैं गुरु वर्ण तो वर्ण कैसा गुरु यानी बड़ा है इसका मत विषण हुआ और जैसे आप लिखते हो गुरुजन ठीक है यहां पर गुरु का अर्थ क्या हो गया ये संज्ञा के रूप में आ गया ठीक है ये मेरे गुरु हैं तो ये संज्ञा के रूप में आ गया तो इस गुरु शब्द का प्रयोग विशेषण और विशेष ये दोनों के रूप में किया जाता है तो ये दोनों रूप में प्रयोग हो सकता अब किस रूप में हो देख लेना हां ये है यदि गौरव लिखा हो गौरव भाव संज्ञा है जो किससे बनी है गुरु से बनी है गुरु के साथ में अप प्रति लगने से बनी है यहां पर गुरु विशेषण है यहां पर गुरु क्या है विशेषण है यह वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है इस वाक्य में कितने विशेषण है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है इस वाक्य में कितने विशेषण है तीन चार तीन दो चार पांच वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है कितने हैं भाई तुक्का मत मारेगा तुक्के के लिए कोई स्थान नहीं है इसमें कुछ का एक कुछ का बी कुछ का कुछ का ए बी ए बी, ए, बी पर चल रहे हो चलो देखते हैं देखिए आदमी यहां पर संज्ञा है इसका मतलब है हमें विशेषण और विशेष्य के बारे में लिख लेना चाहिए कोई बात नहीं लिखना कोई बुरा ही नहीं है कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसे पैर उठाइए और लिख लीजिए आप देखिए आदमी यहां पर संज्ञा है पर ये विशेष्य है या नहीं है, है। यहां पर वह आदमी लिखा है और वह यहां पर सर्वनाम नहीं है सर्वनाम कब होता जब आप आदमी शब्द को हटा देते वह जो कल आपके घर आया था सुनिएगा एक बार ठीक समझिएगा इसको वह जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है यदि ऐसा वाक्य होता तो यहां पर वह क्या होता सर्वनाम होता पर इसने वह के आगे संज्ञा दे दी है कह दी है संज्ञा दे दी है तो वह यहां पर सर्वनाम नहीं है बल्कि यह सार्वनामिक विशेषण बन गया है क्या बन गया सार्वनामिक विशेषण बन गया जब यह सारण विशेषण है इसका मतलब है विशेषण हो गया तो यह क्या हो गया विशेष्य हो गया तो यहां पर आदमी विशेष्य है और वह यहां पर विशेषण है सर्वनाम नहीं है जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है देखिए इस का बहुत बड़ा ठग है बताइए आदमी कैसा है आदमी कैसा है कि ठग है ठीक है तो ठग भी यहां पर क्या है विशेषण है जो बहुत बड़ा लिखा है यह प्रविशेषण है वह बहुत बड़ा लिखा है ठग है तो यहां पर ठग क्या है विशेषण है कितने विष्णु कितने है? दो कहीं चार लगा दिए तुक्के की हद पार कर दी अरे बाकी बहुत बड़ा तो प्रविशेषण है मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए विशेषण की विशेषता बताए दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है संज्ञा है सर्वनाम है, विष्णु है या क्रियाविष्ण है देखिए दुष्चरित्र व्यक्ति व्यक्ति कैसा दुष्चरित्र तो व्यक्ति यहां पर क्या है संज्ञा है संज्ञा यानी विशेष्य है यहां पर व्यक्ति और दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में आपने कैसा कैसी, कैसी, कैसे कैसे प्रश्न किया उत्तर मिल गया ये हो गया यहां पर विशेषण हो गया और पूछ क्या रहा है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण दृष्टि से किस संवर्ग में है यह विशेषण है और व्यक्ति पूछता तो फिर वो संज्ञा में जाता मतलब विशेष मान जाता लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है देखिए इसलिए लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है इस वाक्य में विश्व है देखिए कितने लोगों ने महसूस किया लाखों लोगों ने किया है यह संख्यावाचक विशेषण है कौन सा है संख्यावाचक है संख्यावाचक क्यों है क्योंकि लोग शब्द को आप गिन सकते हो देखिए लोग शब्द को गिन सकते हो तो गिनने वाले कौन से होते हैं संख्यावाचक होते हैं अब संख्या में कौन सा है? निश्चित है क्या अनिश्चित है लाखों लोग अनिश्चित है यह संख्यावाचक में देखा जाओ देखा जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विश्रुण है ये अनिश्चित संख्यावाचक विष्रण है क्योंकि देखिए दो लोगों ने इसे महसूस किया दो लोगों ने इसे महसूस किया इसका मतलब यह हो गया या दो लाख ने इसे महसूस किया तो दो लाख निश्चित हो जाता लाखों लोगों ने कितने लाखों अनिश्चित है तो यह कौन सा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक क्यों नहीं हो सकता परिमाणवाचक वे होते हैं यदि यहां पर ऐसी संज्ञा होती जिसको देखिए नापा तोला या मापा जा सकता था ठीक है तो यहां परिमाण हो होगा यदि यहां पर ऐसी संज्ञा जिसको गिन सकते हो तो संख्यावाचक ठीक है तो ये गिन सकते हैं लोगों को जनता को गिनते हैं लोग गिनते ही है संख्यावाचक अब ये निश्चित है क्या अनिश्चित है तो हम कहेंगे ये अनिश्चित है निश्चित नहीं है तो पहला ही क्या है सही है गुणवाचक और सार्वनामिक तो ये है ही नहीं तेहरवा प्रश्न कह रहा है आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है देखिए बड़े चोर कैसे चोर बड़े चोर तो गुणवाचक विशेषण है यहां पर यह ये। ये गुणवाचक विशेषण है और यह विशेष्य है, है। इसका मतलब है यहां पर संबंध है किसका विशेषण विशेष्य का पहला विशेषण दूसरा विशेष्य होना चाहिए आधे चोर देखिए इसने कहा आधे चोर कितने चोर आधे चोर तो आधा को गिन सकते हैं बिल्कुल गिन सकते हैं ठीक है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था गणनावाचक विशेषण होता है गिन सकते हैं बिल्कुल तो यहां पर ये संख्या यह संख्यावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कौन सा ये वाला ये विशेष है तो यहां संबंध है आठ बड़े चोर कितने बड़े चोर आठ बड़े चोर तो यहां पर निश्चित संख्यावाचक है और यह चोर विशेष्य हो गया अब बच्चा कौन सा पुलिस की लापरवाही पुलिस यहां पर संज्ञा है और लापरवाही यहां पर संज्ञा है पुलिस यहां पर जातिवच संज्ञा है, है और लापरवाही यहां पर बाहवच संज्ञा है तो ये दोनों संज्ञाएं हैं इनके बीच का संबंध बताया किसने इस संबंध कारक ने यहां पर तो यहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है दो संज्ञाएं यहां पर दो है दो संज्ञाएं हैं जो विशेष्य भी नहीं है केवल संज्ञा है यह उत्तर सही नहीं है मतलब सी उत्तर है सही युद्ध देखकर अशोक का कटोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है इसलिए कहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कटोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है विशेष्य बताना है कठोर अशोक मोम हृदय या मोम हो सकता है इस वाक्य में कितने हो सकते हो पर आपको विकल्प में से बताना होगा कठोर लिखा इसने देखिए हृदय कैसा कठोर हृदय कैसा कठोर कठोर यहां पर विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है हृदय की और जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए वो संज्ञा क्या होती है वो संज्ञा विशेष होती है मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है युद्ध यहां पर संज्ञा है अशोक यहां पर संज्ञा है हृदय यहां पर संज्ञा है मोम जैसा पिघल गया मोम के मोम तो भी यहां पर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है विशेष विशेषण नहीं है ये और पूछ रहा विशेष्य विशेषण विशेष्य केवल कौन के सा है हृदय यहां पर हृदय की ही विशेषता बताई जा रही है बाकी किसी की विशेषता नहीं बता रहा मोम जैसा मतलब पिघल गया चलिए विशेष ना, ना, भिशेश्ता ना तो विशेषण है ये तो यहां पर विशेष है हृदय कठोर विशेषण है संज्ञा है और यहां पर विशेष है हृदय सी तो उत्तर है सही का कटोर विशेषण है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कौन सा विशेषण नहीं है तो सबसे पहले विशेषण है उसका ही पता कर लो आप तो ये कह रहा है कि विशेषण कौन सा नहीं है देखिए भयभीत निर्भिक भीरु और भय ठीक है इस वाक्य में जो भय है वो संज्ञा है भय है वो भाव संज्ञा है और ये तीनों विशेषण है तीनों विषण है ठीक है देखिए भयभीत स्थिति निर्भीक व्यक्ति भीरु व्यक्ति भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं इस वाक्य में कितने विष्रण और विशेष्य हैं भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं मतलब इसने और का प्रयोग किया है जोड़ने के लिए भले और महान लोग कैसे लोग भले और महान लोग यहां पर संज्ञा है तो विशेष्य और विशेषण देखिए कैसे लोग भले और महान तो लोग तो यहां पर है विशेष्य संज्ञा देखिए बले और महान दो प्रकार के विषण है दो यहां पर विष्णु है उचित और सैमित व्यवहार करते हैं देखिए कैसा व्यवहार करते हैं उचित और सीमित और कैसा कैसी कैसे के उत्तर में क्या मिलता है विष्णु मिलता है तो यहां पर ये यह दो विष्णु है और व्यवहार यहां पर संज्ञा है मतलब विशेष्य है व्यवहार विशेष हो गया और उचित संयमित उचित और सहमित विशेषण है, है यहां पर इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष है विशेषण चार है और विशेष दो है कहा लिखा चार और दो? दो, दो तीन दो चार तीन चार दो ये डी विकल्प सही है चार विशेषण और दो विशेष है सही उत्तर है डी तुक्का मत मारिए तुक्का नहीं मारा जाता है परीक्षा में तुक्का बातचीत मारा जाता है ठीक है अंदाजा मार सकता है परीक्षा में तुक्का मत मारिए भाई बहुत मुश्किल है और आप में से अधिकांश विद्यार्थी तुक्का मार रहे हैं आप मुझे कमेंट मत करिए भले ही ठीक है पर तुक्का मत मारिए आपको आता है तभी कमेंट करिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए किसके लिए आपके लिए मेरे में ये नहीं है कि मेरे यहाँ पर कितने व्यू आ रहे हैं या कितने क्या हो रहे हैं मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको ये बात समझ आनी चाहिए ठीक है आप लाइक कर दीजिए मैं समझ आऊंगा ठीक है आप मेरे खुश हैं ठीक है कमेंट उतना ही करें जितना आपको आता हो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपके फायदा का सौदा है वो नुकसान का सौदा नहीं है वो ठीक है इस बात को हमेशा मतलब मस्तिष्क में ध्यान रखिएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको सी उत्तर दे रहे थे बिना सोचे समय उत्तर मत दीजिए शाम लिखा हुआ है उसके बाद दीजिए आप सुगंधित कस्तूरी क्योंकि आपके बीस नंबर आएंगे हिंदी ना बीस प्रश्न आने वाले हिंदी के पचास में से बीस आने वाले तो सोचिए क्या इस तरह सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं वाक्य में है सुगंधित कस्तूरी अच्छा इसलिए का वाक्य में क्या है तीन विशेषण और तीन विशेष दो विशेषण दो विशेष चार विशेषण चार विशेष विशेषण और विशेष के बारे में पूछ रहा है सुगंधित कस्तूरी देखिए कैसी कस्तूरी सुगंधित और हम जानते हैं अच्छी तरह से विशेष्य जिसके साथ हम प्रश्न करते हैं विशेषण जो प्रश्न का उत्तर मिलता है तो देखिए कस्तूरी यहां पर विशेष है और सुगंधित सुगंधित विशेषण है कि लोभी शिकारी शिकारी कैसा है लोभी है शिकारी तो यहां पर देखिए शिकारी विशेष्य है और लोभी यहां पर विशेषण है राजस्थानी देखिए राजस्थानी हिरण कैसे हिरण राजस्थानी हिरण तो यहां पर राजस्थानी आ जाएगा रुकिए 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 रुकी, 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 रुकी हिरण आ जाएगा यहां पर विशेष्य और राजस्थानी आ जाएगा विशेषण का अवैध शिकार करते हैं कैसा शिकार अवैध शिकार तो कैसा शिकार शिकार यहां पर जिसके साथ प्रश्न करो विशेष्य और जो उत्तर मिलता है वो विशेषण होता है तो यहां पर आ जाएगा अवैध वाक्य में क्या है विशेष्य कितने एक दो तीन चार तो चार तो गए विशेष्य विशेषण कितने एक दो तीन चार चार हो गए विशेषण तो चार विष्णु चार विशेष है इस बार से ही क्या आपने तभी तो दो सही तुक्का मार दिया तुक्के वाले क्या आपको सरकारी नौकरी नहीं लेनी क्या लेनी है तो तुक्का मत मारिए भाई यदि में से किसी विद्यार्थी ने तुक्के पर नियंत्रण कर लिया ना उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा अब मस्त रहना मेरे सामने पढ़ाने के बाद में सब दिक्कत आती है तुक्का मारने वाले विद्यार्थी सर मैं बता रहा हूं विकल्प दो और कुछ ऐसे होते हैं क्या इसका कोई उत्तर आता है कि विकल्प दे मुझे अरे भैया हर जगह विकल्प नहीं मिलते हैं यह भी आदत छोड़िए दो आदत छोड़ दीजिए परीक्षा में परीक्षा की तैयारी करते समय एक तो किस विकल्प पूछिए और तू मारिए विकल्प पूछे इसका मतलब विषय आपका कमजोर है और बहुत ज़्यादा कमजोर है भैया मुझे नहीं आता है कोई बात कौन को सा वहाँ पर अवार्ड लेना है दोस्त को बताकर नहीं लेना है ना समुद्री सांप ने घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है वाक्य में है विशेषण और विशेष के बारे में पूछ रहा है दो है तीन है कितने हैं देखिए समुद्री सांप, कैसा सांप? समुद्री सांप। तो यहां लिखते हैं हम विशेषण निपल लिखते हैं विशेष्य है, और फिर नीचे लिखते हैं विशेषण विशेष्य है कौन सा है सांप है कैसा सांप समुद्री समुद्री यहां पर विशेषण है भैया मैं आपको लिखा कर पढ़ा रहा हूं इसके पीछे है कि आप मस्तिष्क में भेजे में कुछ जाए कुछ जानकारी जाए आगे मैं सीधा यहीं से पढ़ा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है इसलिए देखा बहुत कीमती जहर पाया जाता है देखिए जहर कैसा कीमती तो यहां पर जहर है दूसरा विशेष है यहां देखिए घातक परंतु बहुत कीमती जहर कैसा घातक घातक परंतु कीमती भी है घातक भी है और कीमती भी है इस परंतु को एक बार छोड़ दीजिए समुद्री सांप देखिए समुद्री सांप तो सांप या संज्ञा है समुद्री यहां पर विष्ण हो गया मैं घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है तो जहर यहां पर संज्ञा हो गई तो दो विशेष संज्ञा यानी विशेष हो गया समुद्री यहां विष्णु पर यहां पर दो विष्ण है एक तो घातक है और एक कीमती है ये दोनों विष्ण है परंतु यहां पर समुच्च बोधक है अव है ये तो और बहुत ये प्रविष्ण है विष्णु नहीं है बहुत यहां पर प्रविष्णु है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है कीमती भी कितना बहुत कीमती कीमती बोलने का मतलब कीमत अधिक हुई उसकी पर ये कह रहे कि बहुत कीमती जो विशेषण की विशेषता बताए यानी जो विशेषण के भी विशेषण होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं तो कितने हुए? विशेषण हो गए आपके तीन समुद्री घातक और कीमती तीन विशेषण और दो विशेष है तो सही उत्तर कौन सा है ए है इसका सही उत्तर है ए उस ग्रंथ में पृष्ठ देखिए पांच सौ अच्छा एक मिनट इस प्रश्न में एक बार वापस आता हूं हो सकता है कुछ पुस्तकों में आपको यह उत्तर देखने को मिल जाए यह उत्तर भी आपको देखने को मिल सकता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर ध्यान रखिएगा यहां पर ये विश्रण नहीं है विशेषण जो संज्ञा तो की विशेषता बताता, बताता है वो वो होता होता है 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 प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता तो ये विशेषण की श्रेणी में नहीं आता ध्यान रखिएगा ये प्रविषण की श्रेणी में आता है और कुछ ये भी पढ़ सकते हैं कि प्रविष्ण प्रकार होता है तो फिर विशेषण तो खुद विशेषता बता रहा है उसकी विशेषता क्यों बतवा रहे फिर हम ऐसी स्थिति भी हो सकती है तो यह विकल्प किस स्थिति में नहीं होगा हो सकता है आपने पढ़ लिया हो बहुत भी है बहुत होता है जैसे बहुत लोग आए हैं तो बहुत लोग यहां पर बहुत विश्ण है विश्व ही प्रविष्ण कार्य कर सकता है तो यहां है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों पर डी आया था मैं ये समझ सकता हूं कि डी आया उसने इसको भी क्या माना है विष्ण माना है आपको नहीं मानना है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विश्रण परिमाणवाचक विशेषण संकेत वाचक या व्यक्तिवाचक विशेषण उस क्या है देखिए संकेत वाचक है इसका दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम है निश्चित रुकिए रुकिए रुकिए, इसका दूसरा नाम है निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण इसका दूसरा नाम है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किसका संकेतवाचक विशेषण का और कुछ जगह पर तो यही लिखा होता है कि ये सार्वनामिक विशेषण है वही संकेतवाचक है अरे सार्वनामिक है वो पूरा संकेतवाचक नहीं है संकेतवाचक है चार उपभेद है जिसमें निश्चयवाचक है ठीक है वही क्या होता है संकेतवाचक होता है तो ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है जिसको हम निश्चयवाचक सार्वनामिक विष्ण भी कहते हैं उस पूछ रहा है ये देखिए उस ग्रंथ ग्रंथ यहां पर संज्ञा है यानी विशेष्य है और उस यहां पर सर्वनाम नहीं है यदि सर्वनाम कब होता सर्वनाम तब होता है जब यहां पर यह लिखा होता है उसमें पांच सौ पृष्ठ है देखिए उसमें पांच सौ पृष्ठ है तब ये क्या होता तब ये सर्वनाम होता कौन सा उस बिधेगा उस ग्रंथ में उसके बाद में यहां पर क्या आ गई है संज्ञा आ गई है तब ये सर्वनाम नहीं है बल्कि सार्वनामिक विशेषण है यह क्या है सार्वनामिक विशेषण है और सार्वनामिक कौन सा है यह निश्चयवाचक है क्यों यह निश्चयवाचक वाचकाम है यह का विकारी होता है इस और उन वह का विकारी होता है उस और उन मतलब सर्वनाम विकारी है पुरुष वचनों कार्य के अनुसार विकर होता है तो यह विकारी होगा यहां पर तो उस यहां पर विकारी है जो सर्वनामी है कौन सा निश्चयवाचक तो सही उत्तर इसमें सी हो सकता है कोई तुक्का ही मार दे दस क्विंटल गेहूं खरीद लिया है वाक्य में विशेषण किस कोटि का है ये कह रहा है कि दस क्विंटल गेहूं खरीद लिया वाक्य में विशेषण किस कोटि का है पहली बात इस वाक्य में विशेषण कौन सा है देखिए गेहूं खरीद लिया है तो संज्ञा हो गई नहीं क्रिया हो गई ये तो गेहूं यहां पर देखिए गेहूं यहां पर क्या है संज्ञा है और दस क्विंटल लिखा इसको गिनते हैं या फिर तोलते हैं हमने गेहूं को तोला हमेशा गिना थोड़ी कभी इसका मतलब है संख्यावाचक नहीं होगा ये ये संख्यावाचक नहीं होगा और संख्यावाचक विकल्प कहीं है नहीं तो कौन होता है परिमाणवाचक विष्णु होता है भाई गेहूं को आप तोलते हो तोलने वाला किस में आता है परिमाणवाचक है अब ये परिमाणवाचक होता है परिमाण निश्चित है है कि कि अनिश्चित परिमाणवाचक दो प्रकार के हैं यहां पर यह होता है कि कुछ क्विंटल गेहूं तो कुछ क्विंटल गेहूं का मतलब कितना निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो जाता पर कह रहा है कि दस क्विंटल मतलब निश्चित है तो देखिए परिमाणवाचक यहां पर भी है परिमाणवाचक यहां पर भी है यहाँ पर सिर्फ परिमाण वाचक है जो दो प्रकार के निश्चित और अनिश्चित है पर इसने निश्चित सामने दिया तो सही उत्तर डी होगा इसका अब तो चाहता हूं इसका सही उत्तर होगा डी ए नहीं होगा क्यों तो यहां दो प्रकार आ जाता है इनमें कौन सा सद विशेषण नहीं है कौन सा सद विशेषण नहीं है देखिए भीतर गया भीतर आया क्रिया आ रही है यह अव है यह विशेषण नहीं है देखिए गुरुतर कार्य गुरुतर कार्य ठीक है इसका मतलब यह हो गया गुरुतर बढ़ोतरी इससे कह सकते हैं तो इसका मतलब यह हो गया यह विशेषण है और विश्वस्त देखिए विश्वस्त व्यक्ति विश्वस्त मित्र यह विशेषण है विगत वर्ष विगत दिन इसका मतलब है यह भी है मित्र नहीं है ये अव्यय है अरे विश्वस्त के बाद कोई शब्द लाइए विश्व का पता करने के लिए हमने पीछे पढ़ाया था ठीक है कोई शब्द लाइए तो विश्वस्त मित्र नहीं बोलते ये मेरा विश्वस्त मित्र है ये मतलब विश्वस्त व्यक्ति है ये नेताजी का विश्वस्त व्यक्ति है इसका मतलब क्या हुआ ये विश्वस्त विशेषण है इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाद संज्ञा से बना है कौन सा व्यक्तिवाद संज्ञा से बना है देखिए पुराना यह पुराण का तद्भव है पर हिंदी में लेना चाहे तो पुरा के साथ में ना ले सकते हैं ठीक है पर यह व्यक्तिवाचक से तो नहीं बना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसको तोड़ दें एक बार कश्मीर धन ई भला भद्र का तद्भव हो गया और देसी देश के साथ में ई आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है देखिए कश्मीर है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण होता है ऐसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है तो सही उत्तर इसमें बी। और देश किससे बना है देश जातिवाद संज्ञा से बना है तो क्या जातिवाचक हो जाएगा बिल्कुल कर सकते हो संज्ञा सबसे बना विशेषण है देखिए संज्ञा सबसे बना विशेषण कौन सा है चालू चाल दन, हसोड़ हस दन ओढ़ जब भी आता ना कि बना किस है तो इसका मतलब है आपको उस शब्द को तोड़ना होगा उस शब्द को तोड़ना होगा उसके बाद में जो मूल मिलता है उस मूल से आपको पता करना होगा मूल जैसा मूल है वैसा उत्तर मिल जाएगा भूलकड़ भूल धन अक्कड़ लखनऊ लखनऊ धन ई देखिए हो सकता है आप से में से वर्तमान में लखनऊ किसी और तरीके से लिखते होंगे पर जैसा शब्द कह रहा है हमें वैसा ही चलना है ठीक है जैसा आप लिखते होंगे वह अलग है अभी कह रहा है संज्ञा से बना विष्णु कौन सा है तो भैया देखिए लखनऊ संज्ञा है कौन सी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका मतलब है ये लखनवी बना हुआ है ये जो तो चाल लिखा है यह चाल भाववाचक संज्ञा है ये भावत संज्ञा है जो चल धातु के साथ में अप्रत्य लगने से बनी है चाल इसका मतलब यह भी क्या है भावत संज्ञा है तो संज्ञा से प्रवेशन कौन सा है दोनों ही है यह किससे बना है हस्तन्ना हसना हस धातु है जिसको हस हसना क्रिया बनती है तो कुछ इसको कहते हैं क्रिया से बना कुछ कैसे धातु से, से बनाए भूल दन्ना भूलना क्रिया बनती है ठीक है? तो है कुछ इसको क्रिया से बोलते हैं कुछ धातु से बोलते हैं धातु क्रिया को एक ही मानकर चलेगा तो ये दोनों नहीं है मतलब धातु या क्रिया से बना मानते हैं इनको हम इन दोनों में आ जाइए आप अब क्या करेंगे हम दो है और मानेगा परीक्षक एक ही मानेगा तो देखिए ये चाल किससे बना है ये चल से बना है और चल के साथ में ना लगाइए तो चलना क्रिया बनती है इसका मतलब यह धातु है अब चाल को यदि लोगे तो देखिए चल धन अधन उ, से बना है चालू कुल मिलाकर मूल क्या है इसमें मूल इसमें धातु है और धातु होती है क्रिया का मूल रूप क्रिया का मूल धातु होती है तो इसको भी वो क्या मानेगा धातु से बना यानी क्रिया से बना हुआ मानेगा किसको इसको से उत्तर डी ही मानेगा परीक्षक हाँ तो देखा जाए सीधा देखा जाए तो यह भी एक बाव संज्ञा से बना हुआ है पर मूल में जाएगा ठीक मूल में जाने के बाद में यह यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा सीधा लखनऊ आ जाएगा जो किसे बनाए लखनऊ बना निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सबसे बना विशेषण छाटिए संज्ञा सबसे बना विशेषण छाटिए जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना होगा उस शब्द को तोड़ना होगा शब्द का विच्छेद करना होगा ऊपरी लिखा है ऊपर के साथ ई प्रतिलगने से बनाए सुगंधित सुगंध के साथ इत प्रत्यय लगने से बनाए सुअकड़ सो धातु के साथ अकड़ लगने से बनाए और कमाऊ कमा के साथ में प्रत्यय लगने से बनाए निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए संज्ञा शब्द से बनाए वो छाटना आपको तो संज्ञा इनमें देखिए ये बने किससे इन शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बने तो संज्ञा शब्द से कौन सा बना है तो इनमें से संज्ञा निकाल लीजिए आप ये तो लिखे ना ये इनमें से संज्ञा छांट लीजिए तो पता करिए कमा क्या है देखिए कमाना ना क्रिया बनती है तो को जिसको क्रिया बोलते हैं किसको धातु बोल के चलते हैं ना लगा लीजिए क्रिया बन जाएगी नहीं लगाओ धातु मिल जाएगी इसका मतलब धातु से बना माना जाएगा क्रिया से बना, बना, बना माना जाएगा यह विकल्प नहीं है सो सो के साथ ना लगाइए भाई ज्यादा सोने वाला पियकड़ ज्यादा पिए पीने वाला रुवकड़ ज्यादा रोने वाला भूलकड़ ज्यादा भूलने वाला ये तो बोलते हैं तो सुअकड़ सोने वाला हो गया तो सो ना लगाइए सोना क्रिया बनती है तो धातु क्रिया से बना संज्ञा से बना हुआ नहीं है ऊपर गया ऊपर आया ठीक है इसका मतलब ये ऊपर पहुंचा ये क्रियाओं की विशेषता बता रहा है स्थान वाचक क्रिया विषय है यह अव्यय है यह संज्ञा नहीं है सुगंध देखिए आप अच्छी सुगंध बुरी सुगंध इसका मतलब यह संज्ञा है विशेषण नहीं है धातु नहीं है अव्यय नहीं है संज्ञा से बना हुआ है वो बी विकल्प सही है इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया देखिए सार्वनामिक विशेषण कौन सा है सारोनामिक का मतलब है सर्वनाम हो और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा के साथ में आया हुआ हो तो वो सर्वनाम क्या होता है एक विशेषण होता है गांधी जी ने इन इनके खिलाफ संघर्ष किया देखिए इनके यहाँ पर सर्वनाम है किन के खिलाफ इनके खिलाफ तो यहां पर सर्वनाम ही है गांधी जी ने इन लोगों के खिलाफ संघर्ष किया तो फिर यह सर्विष्ण हो जाता पर सीधा इनके आ गया तो ये नहीं है इस पार्श्विक चक्र से मुक्त करावे देखिए चक्र संज्ञा है पार्श्विक पशु जैसा चक्र पाश्विक यानी पशु जैसा तो पाश्विक चक्र इसकी विशेषता बता रहा कौन सा इस यदि यह होता कि इस देखिए इससे मुक्त करावे यदि यह होता कि इससे मुक्त करावे तो क्या होता सर्वनाम होता पर इसने लिख दिया इस पास्टिक चक्र से संकेत कर दिया इसने यहां पर तो इसका मतलब यह है कौन सा इस यहां पर सार्वनामिक विशेषण है तो सही उत्तर है फिलहाल बी इसके बाद क्या है संज्ञा आइए सर्वनाम के बाद में उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है देखिए उनके लिखा यहां पर उन लोगों के अनुसार उन व्यक्तियों के अनुसार तो सार्वनामिक सीधा गए तो संज्ञा के स्थान पर उनके तो ये सर्वनाम है वे अत्यंत विनीत थे ठीक है वे गुरु अत्यंत विनीत थे वे गुरु जी अत्यंत विनीत थे तो होता या तो वे अत्यंत विनीत थे कौन ठीक है तो संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है ये यहां पर सर्वनाम है सही किस में यहां पर यह सर्वनाम नहीं है बल्कि सारण विष्ण है क्यों ये संज्ञा के साथ आया हुआ है पार्श्विक विष्ण है चक्र यहां पर संज्ञा है और इस यहां पर विष्णय जो स्वर्ण विष्णय है तो इस चक्र के साथ में दो विष्णु हैं कितने दो इस इस पार्श्विकणमिक और पार्श्विक गुणवाचक तो यहां दो विष्णय ध्यान रखिएगा किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता वह लड़का समझदार है इस कक्षा में चालीस विद्यार्थी है उसका मुंह गोल है देखिए ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं कह सकता कैसा आदमी ऐसा आदमी तो ये गुणवाचक विष्णु गया कौन सा नहीं है संख्यावाचक नहीं है कैसा कैसी कैसे के उत्तर में गुणवाचक मिलता है वह लड़का समझदार है देखिए वह समझदार है तो तो वह स्वर्वनाम देता वह लड़का समझदार है सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ गई है तो वह सर्वनाम क्या होता है सर्वनामी विशेषण होता है तो सारण विश्व यहां पर संख्यावाचक नहीं है इस कक्षा में चालीस विद्यार्थी है कितने विद्यार्थी हैं चालीस विद्यार्थी है विद्यार्थी विशेषण है नहीं संज्ञा है और चालीस यहां पर चालीस यहां पर विष्ण है विद्यार्थी संज्ञा नहीं विशेष है चालीस यहां पर अच्छा यह संख्यावाचक है परिमाणवाचक है ये तो संज्ञा कौन सी है विद्यार्थी गिन सकते हो तो संख्यावाचक नहीं गिनते तो परिमाणवाचक हो जाता पर यहां पर गिन सकते हैं यह संख्यावाचक विष्ण है उसका मुंह गोल है मुंह कैसा है गोल है तो यहां पर गुणवाचक विस्तृण है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है यह कह रहा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है शारीरिक नैतिक नागरिक और भागना सामने पड़ा उत्तर अब तो दे दो सही अब तो उत्तर सही दो भाई शारीरिक है, शरीर शब्द के साथ एक प्रत्यय लगने पर नैतिक बनाए नीति शब्द के साथ एक प्रत्यय लगने पर नागरिक बना है नगर शब्द के साथ एक प्रत्यय लगने पर और भागना बना है भाग धातु के साथ में ना प्रत्यय लगने पर संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है ठीक तो है।, है।, है तो यहां पर यह क्रिया के रूप में आया हुआ है ठीक है विशेषण नहीं है क्रिया के रूप में आया तो सही उत्तर है डी बाकी नगर संज्ञा है नीति संज्ञा है और शरीर संज्ञा है पर ये यहां पर धातु है और भागना क्रिया रूप में आ गई है तो विशेषण नहीं है ये क्रिया है या जिसको हम क्रिया संज्ञा कह सकते हैं ठीक है पर यह विशेषण नहीं है सही डी इसको देखिए इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है लाखों लोगों के आर्थिक विषमता अहिंसा की भावना एक प्रेरणा किस में नहीं हुआ है उत्तर दे दो भाई सरल है ये तो पुलिस की लापरवाही कुछ पढ़ाया था मैंने पीछे देखिए लाखों लोगों के लाखों यहां पर विशेषण है आर्थिक विषमता आर्थिक यहां पर विषमता है अहिंसा की भावना देखिए एक प्रेरणा एक यहां पर विशेषण है पर लिखा अहिंसा की भावना यहां पर नहीं है संज्ञा है और संज्ञा है कि संबंध कार्य के रूप में साथ जुड़कर आए हैं तो यहां पर विशेषण नहीं है सी विकल्प यहां पर सही है पीछे पढ़ाया था पुलिस की लापरवाही इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विष्रण है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विष्ण है और यह किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आया हुआ प्रश्न देखते हैं संज्ञा से बने हुए विशेषण पूछ राम से पौराणिक किसे बनाए पौराणिक बनाए पुराण शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगने से बना है मानवीय मानव शब्द के साथ में यह प्रत्यय लगने से बना है और लखनवी लखनऊ शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगने से बना है आलसी देखिए आलस के साथ में ई प्रत्यय लगने से बना है पैतृक पैतृक शब्द के साथ एक प्रत्यय लगने से बना है लिखित लिख के साथ में एक प्रत्यय लगने से बना है तोड़ना तो पड़ेगा ऐसे प्रश्न हल तभी कर सकते हो जब पूरे विकल्प को तोड़ोगे आप बिना विच्छेद किया हल नहीं कर सकते विवाह के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है वैवाहिक भित्री भीतर के साथ में एक भीतर के साथ में ई प्रत्यय लगा हुआ है और पढ़ाकू पढ़ के साथ में आकु लगा लगावा है श्रमिक में श्रम के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है विदेशी विदेश के साथ में ई प्रत्यय लगा हुआ है बनावटी बन के साथ में आवटी प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा किससे बना है देखिए पुराण के साथ में एक प्रत्यय मानव के साथ में ये है ये प्रत्यय छोड़ दीजिए यह कह रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी संज्ञा से बने हुए हैं तो यहां पर जो बने हुए प्रत्यय को हटाकर जो शब्द है वो संज्ञा है या नहीं पता कर लीजिए देखिए पुराण लिखा है इसने मानव लिखा है और लखनऊ लिखा है पुराण संज्ञा है मानव संज्ञा है और लखनऊ भी क्या है संज्ञा है तो संज्ञा से बने हुए कौन से ए विकल्प के तीनों जो शब्द है वो संज्ञा से बने हुए विशेषण है आलस संज्ञा है पितृ संज्ञा है पर लिख यहां पर धातु है का मूल है तो ये दो तो बने हुए हैं पर ये लिखित नहीं बना हुआ धातु यानी क्रिया से बना मानते हैं इसको विवाह संज्ञा है भितर अव्य है और पट धातु है तो इसमें केवल एक ही है जो किससे बना है संज्ञा से है। ये बना हुआ है यह बना हुआ है अव्य से बना और यह धातु यानी क्रिया से बना हुआ है श्रम संज्ञा है विदेश संज्ञा है पर यहां पर धातु दो संज्ञा से बने हुए हैं पर एक ये नहीं बना हुआ है ये नहीं बना हुआ है तो इसके सभी नहीं बने हुए हैं सभी नहीं बने हुए सभी नहीं बने हुए और सभी बने हुए हैं तो सही उत्तर है इसका ए, एक देखिए कहावत है कि शिक्षक और हमारे पिता इन दोनों का स्थान समान होता है यदि आप शिक्षक को थोड़ा बहुत भी गलत बोलते हो तो मानकर चलिए आप अपने घर बैठे पिता को गलत बोल रहे हो तो खुद समझ सकते हो चीज़ें क्या है क्या नहीं है विद्यार्थी हैं आप जो पिता को बोल सकता है वो शिक्षक को बोल सकता है समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इनमें से कौन सा विष्रण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है रूपवान देखिए रूप शब्द के साथ वान प्रत्यय लिखा हुआ है धार्मिक धार्मिक शब्द के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है रोग शब्द के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है और बिक धातु के साथ में अवप्रत लगा हुआ है इनमें से कौन सा विशेष संज्ञा सबसे नहीं बना हुआ है रूप के साथ के रूप रूप वान देखिए रूप संज्ञा है रूपवान विशेषण है नहीं बोलते तो रूपवान पुरुष धर्म यहां पर संज्ञा है तो ये दोनों संज्ञा से बने हुए हैं रोग भी यहां पर संज्ञा है तो संज्ञा से बना हुआ है पर बिक ये संज्ञा नहीं है बल्कि धातु है क्रिया का मूल है ये बिकना धातु का मतलब है ना लगते ही क्रिया बनती है ना लगते ही क्रिया बनती है बिकना क्रिया बनती तो ये धातु से बना हुआ है कौन सा डी विकल्प है वो संज्ञा से बना हुआ नहीं है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है अभी पूछा संज्ञा से बना हुआ कौन सा है देखिए आपके पाठ्यक्रम विशेष और विशेषण दोनों हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करना कि मेरिट बनाना प्रश्न है जिसने हल कर दिया वो आगे बढ़ेगा जिसने छोड़ दिया तो मान के चलिए जिसने कर दिया एक व्यक्ति ने इसको हल कर दिया एक ने छोड़ दिया है तो छोड़ने वाला हल करने वाला कैसे पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा तो आपको पढ़ना होगा इसे तरीके ढूंढ तरीके पढ़ लीजिए परीक्षा में काम आएंगे ये सुखी सुख शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगा हुआ है देखिए प्रश्न प्र है वो सन के साथ जुड़ा हुआ प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है ध्यान रखिएगा विशेषण की रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से होती है उपसर्ग से भी होती है प्रत्यय से होती है और दो शब्दों को जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं कटु ठीक है इसको हम रूट रूप में ले सकते हैं तो ये संज्ञा से बना है देखिए ये संज्ञा से नहीं बना हुआ यहां सन संज्ञा है और सुख क्या यहां पर संज्ञा है तो ए और बी दोनों है ये रूट रूप में ले सकते हैं इसको संज्ञा से बना नहीं है बनेगा तो भी धातु से बना देंगे पर संज्ञा से नहीं बनेगा ठीक है तो यहां ए और बी दोनों होगा यहां पर तो सही उत्तर है इसमें डी संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है धन के साथ ई प्रत्यय लगने से बना है तो धन संज्ञा है यह संज्ञा से बना हुआ है लालची लालच के साथ में ई प्रत्यय लगा हुआ है और लालच यहां पर संज्ञा है लालच बुरी बला बोलते हैं तो लालच यहां पर संज्ञा है तो संज्ञा से बना हुआ है धार्मिक धार्मिक बना धर्म शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगने से और धर्म क्या है धर्म संज्ञा है ठीक है धर्म भाववाचक संज्ञा ध्यान रखिएगा कुछ व्यक्ति सोचते हैं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म और धर्म को क्या बना देते हैं जातिवादक संज्ञा लेते हैं भैया धर्म जातिवाचक संज्ञा नहीं है धर्म है वो भाववाचक संज्ञा है और हिंदू मुस्लिम ये जो लिख रहे हो ना आप ये विशेषण शब्द है वो धर्म के साथ में आता है विष्णु के रूप में तो संज्ञा के साथ विष्णु आ सकता है तो जाति नहीं होती है ठीक है तो ये भाव संज्ञा है और धार्मिक विष्णु है तो विष्णु किससे बना है संज्ञा से बना है हसोड़ बना है देखिए हस के साथ में ओढ़ प्रत्यय लिखा हुआ है और बन गए हसोड़ अब हस क्या है देखिए हस के साथ में यदि आप ना लेकर आते हो तो क्या बनता है हसना बनता है और हसना क्या है हसना यहां पर क्रिया है हसना क्या है क्रिया है और हस यहां पर धातु है तो हसोड़ किससे बना है यह धातु से बना विश्रण है जिसको परीक्षा में क्रिया के नाम से पूछा जा सकता है तो सही उत्तर इसमें डी इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है अब इसमें तो पूछा किस शब्द के सभी शब्द विशेषण नहीं है तो इसके लिए आपको पता करना होगा उस शब्द को यहां लाकर रखना होगा और शब्द के बाद में कोई शब्द आ जाता है तो शब्द विशेषण होगा और नहीं आता है तो ये शब्द क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा या फिर आएगा तो पहले आएगा या पहले नहीं आएगा देखिए थोड़ा समय थोड़ा वक्त ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। है शब्द आ रहा है तो थोड़ा यहां पर विश्षण है तीन लोग तीन दिन तीन वर्ष शब्द आ रहा है ये विष्ण है तो तीन भी यहां पर विष्ण है किस वर्ग के सभी देखिए किस वर्ग के सभी शब्द सब विष्ण नहीं है उदारता शब्द लाइए बाद में नहीं आ रहा है यह विशेषण नहीं है बल्कि संज्ञा है सौंदर्य सब लाइए बाद में अब ऐसा नहीं है कोई एक आद शब्द लेकर आ जाओ नहीं आ रहा है यह शब्द क्या है संज्ञा है तो इस बी विकल्प के दोनों शब्द संज्ञा है विशेषण नहीं है दूसरा व्यक्ति पापी पुरुष मीठा पानी बहुत दिन ये सब के ऐसा मिश्रण है ये दो नहीं है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विष्णु चिन्हित कीजिए निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विष्णु चिन्हित कीजिए संज्ञा शब्दों से कौन से बने उनका चयन करना है देखिए भला जो भला शब्द है वो भद्र का तद्भव है जिसको हम तोड़ नहीं सकते तो हम ये कह सकते हैं रूढ़ संज्ञा है कौन सी भला ये किससे बनी है इसकी जानकारी नहीं हमें इस इसके बाद निर्मलिखित संज्ञा शब्दों से निर्मित चिन्हित कीजिए भला विष्ण इसकी जानकारी नहीं हम तो यह जानते हैं कि भद्र का तद्भव है ठीक है तो रूढ़ विष्णु के रूप में चलता है इसके बारे में पता नहीं है तो यह नहीं है स्वकीय और स्वकीय किससे बना है देखिए स्वकीय बना है के शब्द के साथ में ये लगने से ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यह है और कुछ पुस्तकों के अनुसार स्व के साथ में किए प्रत्यय लगने से बनता है कुछ पुस्तकें किए बोलती है पर पंडित गुरु जो हिंदी की पुस्तक है देखिए तो मतलब वैसा, वैसा यदि देखा जाए तो हम इसको रूढ़ रूप में ले सकते हैं यदि संस्कृति रचना के अनुसार लें तत्त के अनुसार पर कुछ पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कौन सा वह धन ऐसा वह धन ऐसा से लिखा इसको कि वैसा बनता है कुछ हिंदी के अनुसार ये बताते हैं और कुछ मेरे सब ऐतादर्श के अनुसार बताते हैं हाँ ऐसा कुछ बता रहे हैं कि संस्कृत तो उसके अनुसार ये बना होगा तो कहने का मतलब ये भी नहीं है तो वह यहां पर सर्वनाम है स्व यहां पर विशेषण के रूप में आ गया तो ये भी नहीं है कायिक लिखा है ये बना हुआ है काया शब्द के साथ में एक प्रदल से और काया यहां पर क्या है काया यहां पर संज्ञा है आप तो नर्सिंग के विद्यार्थी हो ठीक है कायिक विज्ञान आपने पढ़ा होगा ठीक है तो यानी शरीर काय क्या होता है शरीर होता है शरीर क्या है संज्ञा है और यह संज्ञा से बना विशेषण है कौन सा डी निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विष्णु छाटिए निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विष्णु छाटिए दुखी बना बनाए दुख शब्द के साथ में ई बना बनाए और ये कह रहा है कि संज्ञा सबसे निर्मित नहीं संज्ञा सबसे बना विष्णु है दुख संज्ञा है दुख के बाद को समझाइए नहीं आ रहा है दुखी आ जाएगा देखिए दुखी व्यक्ति दुखी पुरुष दुखी महिला दुखी औरत दुखी बच्चा दुखी परिवार पर दुख के बाद नहीं आ रहा है तो दुख संज्ञा है दुखी विष्ण है तो किससे है संज्ञा से बना हुआ है यही विकल्प है और यही सही है पर नीचे वाला देख लीजिए तीनों ये किससे बना है बिकऊ बना बिक धातु के साथ में आउ प्रत्यय लगने से बिक ना लगाइए बिक ना क्रिया बन रही है तो धातु से बना क्रिया से बना हुआ है बुलकड़ जो बोल शब्द के साथ है। अक्कड़ प्रत्यय लगने से बना हुआ है और भूल भी यहाँ पर क्या है धातु है ना लगे धातु का ना लगती क्रिया बनेगी भूलना क्रिया बन रही है इसका मतलब धातु से बना यानी क्रिया से बना हुआ है संज्ञा से बना हुआ नहीं है हमारा देखिए हमारा घर ठीक है इससे बोलते नहीं बोलते हैं तो यह विष्णु के रूप में प्रयोग किया जाता है पर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का विष्णु के रूप प्रयोग नहीं करते हैं पर फिर यह संबंधवाचक के रूप में इसको कर सकते हैं और ये किससे बना है हम शब्द के साथ में रा प्रत्य लग्न बना हुआ है रा रे री ठीक है यही लगते हैं और रा कारक चिन्ह है हमारा बनता है कुछ पुस्तक तो हम ये बता रहा है कि हम के साथ में आरा से बना हुआ है ठीक है कुल मिलाकर हम ये क्या है तो सर्वनाम से बना हुआ है परिपू की सरा संज्ञा से देखिए सर्वनाम से धातु से धातु से और संज्ञा से तो सही उत्तर है ए सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है वह आदमी हंसता है सार्वनामिक कौन से है सर्वनाम विशेष होते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और निचवाचक सर्वनाम को छोड़कर सब क्या होते हैं सार्वनामिक होते हैं विशेष रूप से यह बोल सकते हैं कि पुरुषवाचक और निचवाचक सर्वनाम को छोड़कर सारे सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम का कार्य करते हैं कब जब उस स्वनाम के साथ में ठीक बाद में कोई संज्ञा मिल जाती है तब और उसी संज्ञा की विशेषता बताए वह आदमी हंसता है देखिए आदमी हंसता है ये संज्ञा थी यहां पर आदमी वह हंसता है तो वह यहां पर क्या है सरनाम है वह हंसता है सरनाम है पर इसने संज्ञा के साथ दे दिया स्वनाम संज्ञा के साथ क्या दिया सर्वनाम तब यह सर्वनाम नहीं होता बल्कि क्या होता है सार्वनामिक विशेषण होता है तो आदमी संज्ञा है और वह यहां पर सार्वनामिक विशेषण है तो सही उत्तर है ए काला कुत्ता भौंक रहा है कैसा कुत्ता काला कुत्ता काला यहां पर विशेषण है पर यह गुणवाचक विशेषण है कैसा कैसी कैसे के उत्तर में संज्ञा तो सर्वनाम के साथ कैसा कैसी कैसे के उत्तर में गुणवाचक विशेषण मिलेगा सीता अच्छी औरत है कैसी औरत अच्छी औरत तो यह भी अच्छी विशेषण है पर कौन सा है गुणवाचक है वह आ रहा है इसमें कोई विष्रण नहीं है इसमें केवल सर्वनाम है या वह सर्वनाम है तो ए उत्तर सही है जिसमें वह सर्वनाम सर्वनाष के रूप में आया हुआ है दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए शब्द दिए गए हैं सुखी ऊपरी ज्ञानी भगोड़ा इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण अ एवं द स एवं द ये तो पढ़ने का मतलब नहीं है पढ़ना तो यही है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है हमें केवल यह देखना है तो क्या करना होगा हमें अलग करना होगा सुख शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगता है तो सुखी बनता है देखिए सुखी जीवन सुखी परिवार उत्तर आ रहा है इसका मतलब विष्रण है उत्तर नहीं आए तो संज्ञा है सुख के बाद केवल सताना चाहिए नहीं आ रहा ना दो से तीन सेकंड है ये संज्ञा है और ये क्या है विष्रण जो किससे बना है संज्ञा से बना है ये पूछ क्या रहा है संज्ञा से बने विषरण तो पहला है वो संज्ञा से बना हुआ है ऊपरी बना हुआ है ऊपर शब्द के साथ में ई लगने से बना है और ऊपर ऊपर अव्यय है विशेषण नहीं है न संज्ञा न धातु है ये अव्यय क्रिया की विशेषता है ऊपर गया ऊपर आया ऊपर चला ऊपर पहुंचा ये नहीं है ज्ञानी <hans> nah ज्ञानी बनाए ज्ञान शब्द के साथ में ई लगने से बनाए और ज्ञान संज्ञा है तो सी भी है भगोड़ा बना है भाग धातु के साथ में ओड़ा प्रतिर से बना है भाग के साथ ना लगाई है भाग ना क्रिया बन रही है तो धातु से बना हुआ है धातु मतलब क्रिया का मूल यह संज्ञा से बना हुआ नहीं है तो संज्ञा से बने हुए विषण कौन से हैं? ये सब कैसे विषण है सुखी परिवार देखिए ऊपरी किनारा ऊपरी छोर ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी पुरुष ठीक है भगोड़ा व्यक्ति तो सबसे से विष्ण है जो एक अ और स ये दो किससे बने संज्ञा से बने तो अ और स है ये रहा डी विकल्प है वो सही है टोकरी में मीठे संतरे हैं देखिए टोकरी में मीठे संतरे हैं उपयुक्त वाक्य में मीठा शब्द में विशेषण है मीठा शब्द में कौन सा विशेषण है गुणवाचक जो कैसा कैसी कैसे के उत्तर मिलेगा संख्यावाचक परिमाणवाचक जो गिनती वाले हैं ये आते हैं गिनी जा सकने वाली संख्याओं के साथ आए तो संख्यावाचक नापी तोल या तो मापी जाने वाली के साथ आए तो परिमाणवाचक और सर्वनामिक सर्वनामी लियाविष्ण होते हैं टोकरी तो में मीठे संतरे हैं उपरीत वाक्य मीठा शब्द में विष्ण है कौन सा देख कैसा कैसी कैसे के उत्तर में क्या मिलता है गुणवाचक विष्णु मिलता है देखिए कैसा है कि मीठा है उत्तर मिल रहा है संतरे कैसे मीठे हैं चलिए यह मिल गया और यह केवल सीधा प्रश्न कर सकते हो कैसा है क्या मीठा है इसका मतलब यह गुणवाचक विशेषण है कौन सा है गुणवाचक है आसान सा प्रश्न है मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुए हैं मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुए हैं अब देखिए भाई थोड़ी मानवीय भूल हो जाती है हम भी मानव हैं आप भी मानव हैं भूल होना मानव का स्वाभाविक धर्म है ठीक है यह ध्यान रखिएगा भूल होती है तो कोई बात नहीं भूल मानव से ही होती है किसी और से नहीं होगी भूल हो रही है इसका मतलब मानव है मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुए हैं गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक सार्वनामिक मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं वाक्य मिश्रण प्रयुक्त हुए हैं देखिए इसने लिखा अनेक छात्र लिखा इसने छात्र कितने अनेक लिखा छात्र यहां पर संज्ञा है और अनेक असंख्या गिन सकते हो बिल्कुल तो ये कौन सा हो जाएगा ये संख्यावाचक हो जाएगा और अनेक निश्चित अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक किस में इस वाक्य में बी हो गया सही आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है विशेषण का उदाहरण है देखिए आंखों की ज्योति आखों संज्ञा है ज्योति संज्ञा है पर दोनों विशेषण नहीं है नहीं दोनों विशेष्य नहीं है केवल संज्ञा है के लिए हरा रंग देखिए कैसा रंग हरा रंग और कैसा कैसे कैसी कैसा कैसे कैसी में क्या मिलता है गुणवाचक विष्ण मिलता है कैसा रंग हरा रंग तो यहां पर रंग है वो विशेष्य है हरा यहां और विशेषण है और कौन सा है ये गुणवाचक विश्व है अच, अच्छा माना गया है यदि क्रिया के साथ में प्रश्न का देख क्रिया के साथ में कैसे प्रश्न का उत्तर मिलता है कैसे माना गया अच्छा माना गया है ठीक है तो यह क्रिया विष्णु के रूप में आ जाता है पर यहां पर हरा विष्णु है कौन सा है गुणवाच इस वाक्य में एक ही विष्णु आया संज्ञा कारक चिन्ह संज्ञा कारक चिन्ह विष्ण संज्ञा क्रियाविष्ण क्रिया मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं कुल मिला इस वाक्य में विष्ण कितना है एक है वह छात्र पढ़ना ही नहीं चाहता वाक्य में, से में से वाचे, वाचे कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ हुआ है वह छात्र पढ़ना ही नहीं चाहता वाक्य में कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है सार्वनामिक परिमाणवाचक गुणवाचक या क्रिया विशेषण कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है क्रिया विशेषण कोई विशेषण नहीं है ये अपने आप अप में एक विषय है जो अव्यय का प्रकार है यह तो चौथा विकल्प तो कटी गया वह छात्र पढ़ना ही नहीं चाहता देखिए छात्र यहां पर संज्ञा है यदि ऐसे लिखते वह पढ़ना ही नहीं चाहता अब देखिए वह पढ़ना ही नहीं चाहता इसका मतलब यह सर्वनाम था क्या था सर्वनाम था छात्र पढ़ना ही नहीं चाहता इसका मतलब संज्ञा थी वह छात्र पढ़ना ही नहीं चाहता यह संज्ञा है और यह क्या यह सर्वनामिक विशेषण है सर्वनाम जो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताई उसके संकेत के रूप में तो वह सर्वण विशेषण होता है तो यह सर्वनामिक विशेषण कौन सा वह सर्वनाम नहीं है यहां पर मोहन जीवन भर सुख भोगता रहा वाक्य में विशेषण शब्द है सुख जीवन भर माफ करिए सोहन है मानवी भूल हो गई सोहन जीवन भर सुख भोगता रहा वाक्य में विषण शब्द है सुख जीवन भर सोहन इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं वाला तो हो गई नहीं कुछ तो दिया उसने सोहन यहां पर संज्ञा है सुख जीवन भर सुख भोगता रहा ठीक है जीवन भर कह रहा है यहां पर सुख भी यहां पर क्या है संज्ञा के रूप में आया हुआ है सुख भोगना सुख भोग रहा था संज्ञा संज्ञा जीवन भर विष्णु ठीक जीवन भर मुट्टी भर हाथ भर चुल्लू भर ठीक है चुटकी भर ये सब क्या होते हैं? विष्णु होता है अनिश्चित विष्णु होता है ये, क्या होता है अनिश्चित विष्णु होते हैं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विष्णु है धन से विद्या श्रेष्ठ है वाक्य में प्रयुक्त तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है किसी एक की तुलना हो किसी एक की संज्ञा की या किसी एक संज्ञा की तुलना हो देख किसी एक संज्ञा की तुलना हो ऐश्वर्या सुंदर है आपने तुलना की है किसकी अकेली की ऐश्वर्य की बाकी सब क्या बदसूरत है अपने आप आपने तुलना कर ली है कि ऐश्वर्या सुंदर है इसका मतलब बाकी सबको आपने सुंदर नहीं माना है इस एक वाक्य के अनुसार ये होता है ऐश्वर्या ईमानदार है तो ऐश्वर्या ईमानदार है बाकी के बारे में आपने कुछ नहीं बोला है तो आपने इसे एक ही तुलना की है केवल इनडायरेक्ट दूसरी के साथ कर लिया आपने देखिए ऐश्वर्या सुस्मिता से सुंदर है इसका मतलब आपने दो की तुलना की है दो संज्ञाओं की तुलना होती है तो वहां पर उत्तरावस्था होती है दो से अधिक की तुलना होती है दो से अधिक या सब की तुलना होती है तो वहां उत्तरावस्था होती है विश्व की तीन अवस्थाएं होती है केवल एक की तुलना की आपने ऐश्वर्या सुंदर है सुस्मिता सुंदर है एक की तुलना की आपने आप दोनों करते हैं ऐश्वर्या सुस्मिता सुंदर है सुस्मिता ऐश्वर्या सुंदर है कुल मिलाकर आपने तुलना कर दी ऐश्वर्या सबसे सुंदर है सुस्मिता सबसे सुंदर है दूर से अधिक की थी धन से विद्या श्रेष्ठ है कितनों की तुलना हो रही यहां पर एक तो धन के और एक विद्या दो की तुलना कर रहे हैं आप धन से विद्या श्रेष्ठ है तो दो की तुलना हो रही है यह उत्तरावस्था है कौन सी है उत्तरावस्था है और लड़कियां क्या कर रही हैं वाक्य में और शब्द है एक बोलते ना और भाई क्या हाल चाल है एक तो आप यह बोलते हो यहां पर और कुछ और, एक और ना और अकेला जिसको सामान्य विद्यार्थी पढ़ते हैं कि दो को जोड़ने में आता है राम और श्याम विद्यालय जाते हैं राम और श्याम विद्यालय जाते हैं ये और आया है ये और समुच्चय बुद्ध के रूप में आया हुआ है और समुच्चय बुद्धि का कार्य करता है और संज्ञा का कार्य करता है और सर्वनाम का कार्य करता है और विष्णु का कार्य करता है और प्रवेश का कार्य करता है और क्रिया क्रियाविष् का कार्य करता है कुल मिला के और बहुत सारे कार्य करता है तो यहाँ कह रहा है और लड़कियाँ क्या कर रही है वाक्य में और शब्द है संज्ञा है या विष्णु है या सरनाम है या क्रिया विष्ण है यह है क्या देखिए लड़कियां क्या कर रही है तो इसमें तो कोई विष्णु है ही नहीं और लड़कियां क्या कर रही है भाई मान लीजिए एक बातचीत का विषय था ये लड़कियां पढ़ रही हैं। और लड़कियां क्या कर रही है मतलब इनके अतिरिक्त वो क्या कर रही है इसका मतलब ये विशेषण है ये ठीक है और अनिश्चित संख्यावाचक विस्तृण है और लड़कियां क्या कर रही है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कौन सा और अरे सर्वनाम कैसा हो गया सी उत्तर तुक्के की हद होती है मतलब तुक्के की हद होती है नहीं के? वो हद भी नहीं है सर्वनाम का तो कोई लेना ना, कोई देना मतलब भी नहीं है पास कैसे सोगे परीक्षा में क्या आपको मेल नर्स फीमेल नर्स नर्स नहीं बना आपको बनना है ना तो तुक्के पर नियंत्रण रखिए अपनी भावना पर क्या रखिए थोड़ा नियंत्रण रखिए आप जरूर बनेंगे आप नियंत्रण नहीं आपके पास मन पर नियंत्रण रखिए मन चंचल मन लालची पढ़ा नहीं आपने कभी सुना तो होगा वह नौकर नहीं है या वाक्य में प्रयुक्त वह है देखिए, वह नहीं आया सरनाम था नौकर नहीं आया संज्ञा थी वह नौकर नहीं आया वह नौकर की विशेषता बता रहा है यह क्या है वह विष्णु है यह सरनाम कब होता जब नौकर हट जाता यहां से वह नहीं आया तब यह सरनाम होता वह नौकर नहीं आया मतलब संज्ञा के पहले आया तो है तो यह विष्णु है सर्वनाम नहीं है एक इसने अच्छा प्रश्न दिया है। अल्पकिंचित और जरा ये सद के केवल किस भेद में प्रयुक्त होते हैं ये किस भेद में प्रयुक्त होते हैं गुणवाचक परिमाणवाचक, वाचक सार्वनामिक या संख्यावाचक देखिए ये, देख ये के केवल अल्प किंचित और जरा ये विष्ण के केवल परिमाणवाचक विष्णु में प्रयुक्त होते हैं जैसे अल्प बुद्धि, अल्पाहार ठीक है तो कहने का मतलब एक केवल विश्व विषय पाएंगे इनको कभी गिन नहीं सकते तोलते मापते वाले में माते हैं कौन सा ये सीधा याद कर लीजिए मैंने आपसे कहा था कि संज्ञाएं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जो संख्या होती है ठीक है वो परिमाण संख्यावाचक होती है मैंने कहा सारी नहीं इसका मतलब ये नहीं होती केवल परिमाणवाचक माता ये कोई आदमी आगे आए और यह काम करे कोई आदमी आगे आए और यह काम करे रेखा की शब्द विशेषण एक मानवीय भूल हुई है पर सुधारते हैं आप पढ़िए कोई आदमी आगे आए और यह काम करे रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा भेद है रेखांकित कर रखा है कोई को देखिए कोई सर्वनाम होता है कोई सर्वनाम होता है कौन सा अनिश्चय देखिए अनिश्चयवत सर्वनाम होता है यही सारनामिक विष्णु का कार्य करता है का कार्य करता है कोई आगे आए और यह काम करे यदि आदमी नहीं होता तो यहां पर कोई सरनाम होता पर कोई आदमी कर दिया कोई के बाद संज्ञा आ गई यहां पर अब यह क्या बन गया सार्वनामिक विष्णु बन गया क्या बन गया सार्वनामिक विश्लेषण बन गया कौन सा है डी ऐसे उत्तर बी 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 हमने अजमेर में प्राचीन दुर्ग देखा के शब्द में कौन सा विश्लेषण है हमने अजमेर में प्राचीन दुर्ग देखा के शब्द में कौन सा विश्लेषण है रेखाक कौन सा है प्राचीन है और दुर्ग यहां पर संज्ञा कैसा दुर्ग प्राचीन दुर्ग और कैसा कैसी कैसे गुत्र में क्या मिलता है गुणवाचक विषण मिलता है इस पेन से मत लिखो इस पेन से मत लिखो रेखांकित में कौन सा विष्रण है और देखिए भैया रेखांकित किसो कर रखा है रेखांकित केवल इसको है इसको देखिए, इससे मत लिखो तब वो सर्वनाम होता इस इस पेन से मत लिखो तो इस सर्वनाम नहीं है यह इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है किस संज्ञा की इस पेन संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो इस यहां पर संकेतवाचक, जिसको निश्चयवाचक सर्वनामिक विश्ण भी कहा जाता है तो ये संकेत पाचक विष्णु के रूप में आया हो कौन सा इस निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण शब्द है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण शब्द है चोर हम जानते हैं चोर कहां से विष्णु होगा चोर तो संज्ञा है जाती हुई संज्ञा चोर तो नहीं निर्बल व्यक्ति निर्बल व्यक्ति बल रहित व्यक्ति विश्र जीवन संज्ञा है विद्वता संज्ञा है निर्बल है ये गुणवाचिक विशेषण है कैसा व्यक्ति निर्बल व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति तो आज का ये एमसीक्यू पूरा हो गया मेरा भी आज पहला दिन था और आपका भी हिंदी एमसीक्यू लेकर पहला दिन था तो हो सकता है हम एक दूसरे को थोड़ा समझ लिया आज शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी आप समझ लिया और मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी घर से पढ़ कर नहीं आए ठीक है सीधे आकर सामने बैठ गए कि हम एम को दे रहे हैं यही आपकी परीक्षा होने वाली है मान कर चलिए इस स्तर की परीक्षा हो जाएगी तो भी आप बाहर आराम से परीक्षा पास कर लोगे कल जब आओ दो बजे वापस तो थोड़ा घर पर पढ़ कर आइएगा जो विषय आपको पढ़ाया गया है या जो आपने पढ़ा है उसे पढ़कर जरूर आएगा बिना पढ़े आकर बैठोगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो स्तर स्तरवान नहीं होगी स्तरहीन हो जाएगी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आधा घंटा पहले पढ़ लीजिए पढ़िए जरूर पढ़ कर हम दीजिए समय आपके पास में है तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहें मस्त रहें खुश रहें आज लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं कल आज के लिए आपका दिन अच्छा हो